Hello, students. I welcome all of you in Kennedy's Educator. Today, we are solving exercise number 1.2 of your chapter Real Numbers. These chapters from your टेंथ मैथेमेटिक्स एनसीआर टी तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है बेस है जो हमने थेरम लर्न किया था थेरम फंडामेंटल थे ऑफ अरथमेटिक हमने अंडरस्टैंड किया था हाउ टू फाइंड आउट द एल सी एम एंड एच सी एफ ओके एल सी एम कैसे फाइंड आउट किया जाता है एच सी एफ से वो हमने अंडरस्टैंड किया तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स अभी ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी है अप यह सॉल्व किया है इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड में विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्रीज आप यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ सोल्व करके तो वन फोर्टी है सो so टू

कोई डिफिकल्टी नहीं है बिकॉज ओनली आपको कैलकुलेशन ही करना है जब तक आप खुद से कैलकुलेशन नहीं करते आपको ये मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आसान नहीं लगेगी ठीक है तो खुद से ट्राई करिए जस्ट ये वीडियो एज अ गाइड के हिसाब से ही देखिए uh, तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करिए और सभी क्वेश्चन सॉल्व करिए ओके इसके सोल्यूशन हम देख लेते हैं अभी सो so, सोल्यूशन है वन फोटी का हमने देखा अभी टू स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ फाइव मल्टीप्लाई विथ सेवन वन फिफ्टी का वन फिफ्टी सिक्स का बनता है टू स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ थर्टीन मल्टीप्लाई विथ थ्री इसके लिए आपको टेबल्स अच्छे तरीके से पार्ट होने चाहिए रिकॉल होनी चाहिए, चाहिए ठीक so है सो द नेक्स्ट नंबर है थ्री थाउजेंड टू एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सो बाई टेकिंग द एल सी एम ऑफ थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव वी विल गेट द प्रोडक्ट एज अ प्राइम फैक्टर्स थ्री थ्री फाइव फाइव सेवेंटीन एंड वन मतलब थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई विद फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाई विद सेवनटीन देन आफ्टर दैट फाइव हंड्रेड एंड फाइव है उसके प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं फाइव सेवन इलेवन थर्टीन एंड वन सो वी गेट फाइव मल्टीप्लाई विद सेवन मल्टीप्लाई विद इलेवन मल्टीप्लाई विद थर्टीन एंड द लास्ट वन सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन का हो जाता है प्राइम फैक्टर्स 17, नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ओके तो सेवनटीन मल्टीप्लाई विद नाइनटीन मल्टीप्लाई विद ट्वेंटी थ्री ये हो जाते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन नेक्स्ट है फाइंड द एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एल सी एम इज इक्वल टू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स आता है कि नहीं ओके आसान क्वेश्चन है सबसे पहले एच सी एफ फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स उनके निकालेंगे सो जिसके यहाँ पर कॉमन नंबर है जिनकी पावर यहाँ पर इंडेक्स पावर लेस है वही यहाँ पर हो जाता है एच सी एफ

एच सी एफ ऑफ ए बी हमने देखा था ये कल हमें यहाँ पर वेरीफाई भी करनी है ओके okay? अभी एल सी एम कैसे निकाला जाता है एल सी एम यहाँ पर क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई विथ सेवन मल्टीप्लाई विथ थर्टीन यहाँ पर आ जाता है एल सी एम जो कॉमन नंबर है उसे वन टाइम ही लेना है ओके okay? हमने देखा था कि टू की पावर वन है थर्टीन की पावर वन है ओके okay, सेवन की पावर वन है एंड थर्टीन की पावर वन है हाईएस्ट पावर हमें लेनी है तो टू की पावर वन इसे हम कंसिडर करेंगे सेवन की पावर वन इसे कंसिडर करेंगे एंड थर्टीन पावर वन इसे हम कंसिडर करेंगे सो टू मल्टीप्लाई विथ सेवन मल्टीप्लाई विथ थर्टीन सो वी गेट वन एटी टू अभी इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे एच सी एफ एंड एल सी एम का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हो जाता है टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है ट्वेंटी सिक्स एंड नाइन्टी वन का टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्सटी सिक्स ओके तो ये दोनों सेम आ गए इसका मतलब एच सी एफ मल्टीप्लाई विथ एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमें मिल गया तो ये वेरीफाई यहाँ पर हो गया आसानी ना क्वेश्चन अभी वीडियो पॉज करिए और सेकंड एंड थर्ड खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए ओके तो आई थिंक आपने सॉल्व किया होगा तो देखते सेकेंड का सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ फाइव ट्वेंट फाइव टेन एंड नाइन्टी टू एज टू थ्री फाइव सेवेंटीन एंड टू टू ट्वेंटी थ्री यहाँ पर हो तो जाता है टू स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ ट्वेंटी थ्री यहाँ पर टू मल्टीप्लाई विथ थ्री मल्टीप्लाई विथ फाइव मल्टीप्लाई विथ सेवनटीन अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टू है यहाँ पर टू स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका एच सी एफ क्या हो जाता है कॉमन नंबर जो है यहाँ पर टू एंड टू का स्क्वायर इनमें से स्मॉलेस्ट पावर किसका है टू का है सो दैट्स वाई एच सी एफ बनता है यहाँ पर ओनली टू अभी एलसीएम क्या होगा थ्री मल्टीप्लाई विथ फाइव मल्टीप्लाई विथ सेवनटीन ओके okay?

एंड द नेक्स्ट वन यहाँ पर नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं थर्ड वन बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी गट थ्री थर्टी सिक्स इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई विद टू मल्टीप्लाई विद टू मल्टीप्लाई विल्टीप्लाई विथ थ्री मल्टीप्लाई विथ सेवन एंड फिफ्टी फोर इज इक्वल टू टू थ्री 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 सो एच सी एफ ऑफ थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स इज इक्वल टू एंड फिफ्टी फोर इज इक्वल टू क्या होगा टू मल्टीप्लाई विथ थ्री टू यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टू की पावर क्या हो जाएगी टू की पावर यहाँ पर फोर हो जाती है मल्टीप्लाई विथ थ्री मल्टीप्लाई विथ सेवन टू की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ थ्री मल्टी एंड थ्री की पावर थ्री तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टू की पावर वन ये सबसे स्मॉलेट दिख रहा है हमें यहां पर तो ये से हम लेंगे थ्री की पावर वन हमें स्मॉल दिख रहा है कॉमन में तो थ्री की पावर वन लेंगे तो सिक्स यहाँ पर आ गया देन आफ्टर दैट हाइएस्ट पावर किसके है तो टू टू पावर फोर है तो टू टू पावर फोर लिया हाइएस्ट पावर इन दोनों में से थ्री टू पावर थ्री है एंड सेवन एज अ कंसिडर किया सो so इनका प्रोडक्ट आ जाता है थ्री थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर सो एल सी एम एंड एच सी एफ का प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर थ्री थर्ट सिक्स मल्टीप्लाई विद फिफ्टी फोर इज ईक्ल टू वी गेट एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर सो फ्रॉम वन एंड टू वी गेट एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ इज टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर इट्स अ वेरीफाइड

तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है थ्री एज अ कॉमन दिख रहा है इसका मतलब थ्री यहाँ पर हो जाता है एच सी एफ एल सी एम क्या होगा थ्री को एज ए वन टाइम्स लेना लिखना है टू देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स टू मल्टीप्लाई का विक्वायर हो जाएगा है यहाँ पर तो टू का स्क्वायर हाइएस्ट है तो ये हमने लिया देन थ्री यहाँ पर है देन फाइव एंड सेवन ओके इज इक्वल टू फोर ट्वेंटी आ जाता है एल सी एम नेक्स्ट वन हम यहाँ पर लेंगे 17, 23 एंड 29 तो यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन 17, 23 एंड 29 नाइन दिस आर द प्राइम नंबर्स तो यहाँ पर इनका एच हो जाता है ओनली वन एंड एल बनता है इनका प्रोडक्ट जो है 11,339 नेक्स्ट वन एट नाइन एंड ट्वेंटी इनका भी यहाँ पर एच सी वन ही बनेगा एंड एल सी यहाँ पर क्या हो जाएगा एट नाइन एंड ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू टू क्यूब मल्टीप्लाई थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव स्क्वायर वी गेट एटीन गिवन दैट एच सी एफ इज इक्वल टू नाइन एल सी एम हमें फाइंड आउट करना है देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने देखा था एच सी एफ हमें दिया है नंबर हमें पता है तो ए मल्टीप्लाई विद बी अपॉन एच सी एफ हमें ऑलरेडी पता है yes, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट मतलब थ्री हंड्रेड एंड सिक्स मल्टीप्लाई विद सिक्स फिफ्टी सेवन डिवाइडेड बाई नाइन इसे कैलकुलेट करना है तो देखिए स्टूडेंट्स ये नंबर नाइन से डिविजिबल है क्या तो यस yes, तो नाइन वन जा uh, नाइन थ्री एंड देन नाइन फोर जा तो थर्टी फोर आ गया थर्टी फोर मल्टीप्लाई सिक्स फिफ्टी सेवन ये बनता है हमारा एल सी एम ओके तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आ जाता है ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी एट हमारा एल सी एम समझ में आ गया, आ गया आपको येस yes, तो कितना आसान क्वेश्चन था ना करेक्ट चलो नेक्स्ट वन देखते है चेक वेदर सिक्स टू पावर एन कैन एंड विदिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन सो स्टूडेंट्स चेक वेदर हमें क्या करना है सिक्स टू द पावर एन एन यहाँ पर पावर है सिक्स की ये एंड होता है डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन हमें आइडेंटिफाई करना है सो स्टूडेंट देखिए टू द पावर एन विल एंड विद विदो इफ फाइव इज वन ऑफ द प्राइम्स ऑफ सिक्स के प्राइम में फाइव होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ सिक्स इज इक्वल टू टू एंड थ्री है सिंस फाइव इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ सिक्स दे एर फोर सिक्स टू द पावर एन कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो बिकॉज स्टूडेंट सिक्स टू द पावर एन है मतलब अगर सिक्स टू द पावर टू होगा तो सिक्स मल्टीप्लाई विद सिक्स होगा ना अभी यहां पर फाइव कहां पर आ रहा है दिख रहा है हमें नहीं यहां पर फाइव आता तो यहां पर इनका जो सिक्स पावर एन है यहां पर जीरो uh, से डिजिट आ जाता तो ये तो पॉसिबल नहीं है सो दैट्स वाई सिक्स पावर एन कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो एक्सप्लेन वाई सेवन थर् इलेवन थर्टीन प्लस थर्टीन एंड सेवन मल्टीप्लाई विद सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई विद फोर मल्टीप्लाई विथ थ्री मल्टीप्लाई विथ टू मल्टीप्लाई विथ वन प्लस फाइव ये ध्यान में रखना यहाँ पर प्लस का साइन है यहाँ पर प्लस का साइन है, है आर कंपोजिट नंबर तो पहले सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए सेवन मल्टीप्लाई विथ इलेवन मल्टीप्लाई विथ प्लस वन यहाँ पर है थर्टीन को हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर सेवेंटी एट थर्टीन मल्टीप्लाई विथ सेवेंटी एट निकालेंगे तो सेवेंटी एट के फिर से हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो टू थ्री एंड थर्टीन तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नंबर है फर्स्ट वन एन वन

कंपोजिट नंबर्स दोनों भी क्या है कंपोजिट नंबर है तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट ओके कौन से टाइम पे यहाँ पर मिट्ट हो गया इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम करना, करना है समझ में अगर आपको देखिए वही तो कॉन्सेप्ट है एटी नाइन टेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है कैसे फाइंड आउट करेंगे विद्प ऑफ प्राइम फैक्टर से सो द मिनिम टाइम वेन सोनिया एन रवि मिट अगेन एट द स्टार्टिंग एल सी एम सो हे दे विल मेट इच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर थर्टी सिक्स मिनट्स कितना आसान क्वेश्चन था ना इतना बड़ा दिख रहा था बट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है एल okay? सी तो निकालना था जैसे आपको कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट टू एंड होती है तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू